तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आज आप अच्छे होंगे। मैं के पीसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जो बनाया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ये तस्वीरें हैं दोस्तों गीता कॉलोनी और गांधीनगर के सामने की। दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पियर कैप बना के और आई गटर को किस तरीके से लॉन्च किया है। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, सारे में ही ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च कर दिया जा चुका है। इसमें फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस लाता रहता है केपी संत अपने चैनल पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो सारे में ही गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है गांधीनगर की रेड लाइट तक। दोस्तों अब इसमें बस फ्लोर वर्क किया जा रहा है, और आगे चलते हैं दिखाते चल के आगे क्या क्या वर्क किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये गटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फिर ये आई गटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। दोस्तों देखो, और यहाँ पर ये सेटरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। देखो दोस्तों, ये सेटरिंग लगा के अब फ्लोर वर्क किया जाएगा जल्दी। देखो आप लोग, क्योंकि ये थ्री लाइन इस साइड यानी कि 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो आपको बता दो, 6 लेन तो ग्राउंड लेवल पर मिलेंगे और 6 लेन एलिवेटेड होने वाली हैं। दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसमें से 4 गाटर ये लॉन्च कर दिया, अभी 3 गाटर और बचे हुए हैं लॉन्च करने के लिए दोस्तों। और उसके बाद में ये पिलर को बनाया जाएगा, स्टैंड किया जाएगा। दोस्तों फाउंडेशन बना के इन्होंने छोड़ दिया था, उसके बाद में देखो अब इसमें मसाला भर के और पिलर को ऊपर उठाया जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर ये पियर में किस तरीके से मसाला भरा जाता है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को आगे। बाकी आधा काम जो मैं दोस्तों श्यामा पार्क के सामने देख सकते हो, ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसमें से एक साइड का रैंप बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों दूसरा साइड का भी रैंप बचा हुआ है, और जो अंडरपास है उस पर एक साइड का फ्लोर वर्क हो चुका है, दूसरी साइड का फ्लोर वर्क किया जा रहा है। दोस्तों और साइडों में ये पैराफिट वॉल बनाए जा रहे हैं, जिसमें सरियाओं का जाल तो बना दिया, इसमें कॉन्क्रीट भरना बाकी रह गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और जो इसका अंडरपास है वो भी अभी रह रहा है, और जो दूसरी साइड का रैंप है वो भी अभी बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए। दोस्तों तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तो एक साइड का बना दिया, दूसरी साइड में देखो ये सेटिंग लगी हुई है और फ्लोर वर्क किया जा रहा है। और दूसरी साइड का देखो ये रैंप अब बनाया जाएगा, जिसमें से आरी पैनल्स को लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। दोस्तों
इस तरीके से ये कंपोनेंट लगाते हैं और उसमें बेल्ट लगाते हैं ताकि ये आरई पैनल को रोका जा सके। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो यही वर्क चल रहा है यहाँ श्यामा पार्क के सामने। दोस्तों अब चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को कि आगे क्या क्या काम चल रहा है, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो आप सभी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत के चैनल पर। दोस्तों और यहाँ से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखो किस तरीके से यहाँ पर ये अभी रैंप बनाया जाएगा। दोस्तों ये रैंप के लिए जगह बची हुई है, ये देखो आई गटर्स रखे हुए हैं हर जगह पर, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आई गटर्स। यही लॉन्च किए जा रहे हैं एलिवेटेड सेक्शन में। दोस्तों यहाँ पर अभी आरई पैनल्स को लगाया जाएगा, ऊपर रैंप बनाया जाएगा इस साइड में। देखो आप लोग तस्वीर है, पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों देखो आप लोग तस्वीर है, यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। दोस्तों देखो तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। दोस्तों कहीं फिनिशिंग की जा रही है, कहीं आई गटर द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, कहीं फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। तो अभी यही वर्क चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख। दोस्तों इस इधर साइड में देख सकते हो ये गीता कॉलोनी और गांधीनगर के बीच में देखो ये डिवाइडर बनाने का भी काम स्टार्ट हो चुका है, गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है। गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद इसमें फ्लोर वर्क स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और देखो ये जो इसके पियर कैप हैं दोस्तों उसमें सेफ्टी वायर लगाए गए हैं मजबूती के लिए ताकि ये टूटे ना। देखो ये लगाए जा रहे हैं सेफ्टी वायर, तो ये सेफ्टी वायर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये पियर कैप कहीं टूट ना जाए, इस वजह से ये सेफ्टी वायर को लगाया जाता है। और सेफ्टी वायर भाई साहब बहुत ही मजबूत होता है। तो साथ साथ में जैसे जैसे ये गाटर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं और फ्लोरिंग का काम करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे साइडों से ये आप लोगों को बता दूं दोस्तों के बीच का ये डिवाइडर भी बनाते हुए चले जा रहे हैं। और फिर इसमें मिट्टी डाल दी जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में इसमें दोस्तों पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। तो यही वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जो बनाया जा रहा है, तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है दोस्तों। और जो कंपनी यहां पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जहां जहां गाटर लॉन्चिंग हो गई है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में, वहां वहां आपको बता दूं फ्लोर वर्क स्टार्ट हो चुका है। देखो सेटरिंग लगी हुई है सारे में ही। तो यही ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों को दिखाता रहता हूं, आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये
आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम कर दिया जा चुका है दोस्तों। अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है और इसमें ये देखो ये सेफ्टी वायर है ना, ये वाले ये डाले जा रहे हैं और इसमें पियर कैप के अंदर भी डाले जाते हैं। देखो अब फ्लोर वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में। देखो कहीं कहीं गाटर लॉन्चिंग आगे गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, पीछे तो फ्लोर वर्क का काम भी कर लिया जा चुका है। इधर देखो किया जा रहा है फ्लोरिंग का काम दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये जो जगह है दोस्तों ये है शास्त्री पार्क, वो सॉरी गांधीनगर, ये गांधीनगर के सामने का नज़ारा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्या ही अद्भुत नज़ारा है। अगर दूर दूर तक आप नज़र उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को ये बायोडक्ट जोड़ता हुआ नज़र आएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट करते हुए चले जा रहे हैं, देखो आप लोग तस्वीरें। लंबा चौड़ा आपको हिस्सा देखने के लिए मिलेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। और यहाँ की रोड दोस्तों बिल्कुल टूट चुकी है क्यों, बरसात की वजह से, पर यहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस वजह से। देखो रोड को भी चौड़ा किया जाएगा, अभी तो रोड को चौड़ा कर दिया है लेकिन इस पर अभी ड्रेनेज बनाया जाएगा और ड्रेनेज बना के फिर इसमें देखो किस तरीके से यहाँ पर यह फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। और देखो गाटर लॉन्चिंग बस यहाँ तक हो चुकी है जिसमें अभी चार गाटर तो लॉन्च कर दिए हैं लेकिन अभी तीन गाटर और बचे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग बस यहाँ तक ही है। अब देखो यहाँ पर ये पिलर पहले ही फाउंडेशन बना लिया था लेकिन अब इनको कंक्रीट भरा जाएगा, जब ये ऊंचे किया जाएंगे फिर इन पर पियर कैप बनाए जाएंगे और पियर कैप बनाने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों, ये देख सकते हो। और जो तस्वीरें हैं ये है दोस्तों जगह गांधीनगर, और गांधीनगर की ये रेड लाइट है दोस्तों ये देखो ये गांधीनगर की रेड लाइट है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। दो पिलर तो देखो, एक पिलर ये रहा साइड में है ये लेफ्ट हैंड पे, और ये पिलर देखो ये बीच में आ जाता है और बीच में आ जाने के बाद में दोस्तों ये यहाँ पर राइट में घूम जाएगा, यानी कि ये एक तो इंडियन रेलवे को क्रॉस करेगा और दूसरा ये रेड लाइन मेट्रो को क्रॉस करेगा। तो वहाँ के चल के आपको लोगों को दिखाते हैं चल के कि किस तरीके से कहाँ से क्रॉस करेगा, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से चलते हैं आप लोगों को घूम के दिखाते हैं चल के दोस्तों। इस रेड लाइन मेट्रो का बायोडक्ट इसको क्रॉस करेगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देख सकते हो तस्वीरें। यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है, यानी कि रेलवे के बीच में दोस्तों। अब ये जमीन के अंदर दोस्तों ये 18 पिलर हैं जमीन के नीचे, जब एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से किस मजबूती के साथ में दोस्तों पिलर को बनाया जाता है। अब देख सकते हो ना आप कि एक पिलर जमीन के अंदर है और कितने सारे पिलर जमीन के अंदर है, मतलब कि 18 पिलर जमीन के अंदर है, उसके ऊपर एक पिलर दोस्तों यानी कि ग्राउंड लेवल पे ऊपर खड़ा किया जाएगा। तो आप लोग इसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब कितनी मजबूती के साथ में एक पिलर बनाया जाता है, क्योंकि ये पिलर सबसे ऊँचा होने वाला गगनचुंबी ये पिलर होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये एक तो इंडियन रेलवे की लाइन को क्रॉस करेगा और दूसरा ये मेट्रो की लाइन को, मतलब रेड लाइन मेट्रो को क्रॉस करेगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जब जाके आगे निकलेगा यानी कि किधर की साइड में, ये गांधीनगर और गीता कॉलोनी की साइड में ये मुड़ जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, सरियाओं का जाल इन्होंने बिछा दिया है पूरा। अब इसमें पिलर का जो सरियाओं का जाल है दोस्तों वो अब बनाया जाएगा इन सरियाओं के ऊपर, मतलब इसमें ही बताया जाएगा। फिर उसके बाद में फाउंडेशन इस पर मतलब कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों। देखो आगे वो नया ब्रिज बनाया जा रहा है यानी कि यमुना रिवर पर, और पुराना इसके बगल में ही है। ये फाउंडेशन देख रहे हो इसके उस तरफ है, देखो ये रेलवे लाइन है और इसी पर ही देखो एक पिलर देखो वो चमक रहा है,
पिलर का जो फाउंडेशन सरियाओं का जाल है दोस्तों, देखो वही चमक रहा है। तो इस तरीके से ये क्रॉस करेगा, यहाँ पर ये तीन पिलर यहाँ पर बनाए जाएंगे और दो पिलर उस साइड में बनाए जाएंगे जो आप लोगों ने अभी देखा। तो देखो आप लोग दोस्तों कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियो चलाता रहता हूँ। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है, पैकेज वन में दोस्तों तस्वीरें देखो किस तरीके से फाउंडेशन बनाया जा रहा है। देखो वो पिलर जो मैंने उधर से अभी आप दिखाया था ना, मैंने बोला था कि घूम के आएंगे जब मैंने आप लोगों को दिखाया। देखो सारे पिलर मतलब बन के गए, मतलब फाउंडेशन बना दिए, आधे पिलर थोड़े से बना दिए हैं। अब इन पर सेटिंग लगा के और इनमें कंक्रीट भरेंगे, पिलर को ऊपर ऊंचा किया जाएगा और जैसे पियर कैप बन जाएंगे इनके दोस्तों, वैसे इन पर आई गेटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम स्टार्ट हो जाएगा जोरों शोरों से दोस्तों। तो यही बचा हुआ है और बाकी तो आपको बता दूं कि शास्त्री पार्क में सारे पिलर बन चुके हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। और पियर कैप बनते ही दोस्तों उन पर भी गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये ब्राउन फील्ड एरिया में दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्या किस तरीके से यहाँ पर इंडिया रेलवे को और मेट्रो की रेड लाइन को कैसे क्रॉस करेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। फाउंडेशन देखो ये बना दिया इन्होंने, फाउंडेशन मतलब सरियाओं को जाल बना दिया फाउंडेशन का, लेकिन अभी इसमें पिलर के जो सरिया हैं वो इसमें खड़े किए जाएंगे, उसके बाद में कॉन्क्रीट भरा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।